वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और देखिए आज की सुबह अभी 12 बज रहा है सुबह का, तो मैं आज 12 बजे ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा जवाब का फूल आया है मेरे पैर में। और इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। और वेदर देखिए कितना बेहतरीन है, कितना प्यारा है। ये है अभिश्वरा, से हाय अभिश्वरा। तो आप लोगों ने देखा मेरी ब्लॉग ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। कल की हम लोग गए थे बॉक्स क्रिकेट, तो बॉक्स क्रिकेट एंजॉय करने हम लोग गए थे। तो वही उसके बाद आज है दूसरी सुबह और हम लोग बहुत टायर्ड हैं कल सब कुछ होने के बाद। तो आज शाम को एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम है बाय बाल भारती, और सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं। तो चलिए देखेंगे, क्योंकि सामने है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर आज बाल भारती एक प्रोग्राम आयोजित करेंगे, तो उसको भी आज एंजॉय करेंगे हम लोग, आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए बने रहते हैं माइंड बटर के साथ। बाय बाय। तो शाम हो गई है और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे गुरु पूजा की अनुष्ठान पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे माता और सारे बच्चे एक साथ बैठ चुके हैं। तो हम लोग के जीवन में पहली गुरु जो है वो है हमारी माता। तो माता यानी माँ एक शब्द जो है जो सब कुछ हमें सिखाती है, तो वो है हम लोग की पहली गुरु। तो उनकी पूजा अभी किए जाएगा, तो ये काफ़ी एक हार्ट टचिंग वाला मोमेंट है। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग देखिए। गुरु शब्द का मतलब क्या है? कौन बोल रहा है? कोई बोलेगा नहीं? साइलेंट साइलेंट। गुरु दो शब्द दो लेटर्स का मिलन, गुरु और गुरु। गुरु का मतलब है डार्कनेस, गुरु का मतलब है विच रिमूव्स द डार्कनेस, मतलब उजाला लाइट। तो गुरु का मतलब है अंधेरे को दूर करना, तो ज्ञान का दीप जला के अंधेरे को दूर करना गुरु का मीनिंग है। तो ठीक, तो बाल भारती में मदर इज द फर्स्ट गुरु, दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं जो भी हम सीखते हैं, खाना हो चलना हो, सब माता सिखाते हैं। तो जो बेस जब छोटे हैं जो हम माता सिखाते हैं वही बड़ा होके बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो हम लोग अपने हिस्ट्री और रामायण महाभारत सभी में देखेंगे कि माता का बड़ा इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। हमारा एक सोशल वर्कर मतलब सोशल एक्टिविस्ट थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ने क्या शुरू किया पता है? वो कौन सा मूवमेंट शुरू किया किसी को पता? विनोबा भावे ने भूदान बोल के एक मूवमेंट शुरू किया। भूदान मतलब जिनके पास ज्यादा जमीन है वो गरीबों को थोड़ा दे उसका पार्ट देते, उसका उसका मूवमेंट। लेकिन जब विनोबा भावे छोटे थे, आई शेयर दिस स्टोरी इन सम ये
sit down. Put the flowers. Push it down. Put the flowers. Put the flowers. अपना पाव आगे कीजिए. माता ने अपना पाव आगे कीजिए. बस हबे हबे डन. गुड मॉर्निंग. तो आज है दूसरा दिन और आज है सोमवार, सावन का पहला सोमवार. आज मंडे, आज ऑफिस और फिर पूजा का भी कुछ काम है. तो चलिए फटाफट आज का दिन ऐसे ही शुरू कर लेते हैं. तो मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा शुरुआत शेयर कर लूँ. तो इस ब्लॉग को मैं यहीं तक ही रखूँगी. आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा कैसे सेलिब्रेट किए वो भी पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में. टिल देन कीप वॉचिंग माइंड बटर और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए. बाय.